चलिए दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज जा रही हूँ मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जो कि है राजमा के कबाब। और ये डाइट जो डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए है रेसिपी। जो डाइटिंग नहीं कर रहे वो आप इसमें आलू भी मिक्स कर सकते हो बाइंडिंग के लिए। मैं आलू यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ राजमा यूज कर रही हूँ। तो चलिए आपको प्रोसीजर बताती हूँ किस तरीके से बनता है। तो ये मैंने रात को सोक किया था राजमा, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक और पानी डाल के मैं इसमें 2-3 सीटी लगा लूँगी ताकि अच्छे से राजमा गल जाए। और उसके बाद में इसमें मैं क्या क्या डालूँगी वो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो देखिए, तो ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें दो तीन मतलब जब तक गल ना जाए अच्छे से, ताकि मैश करने में प्रॉब्लम ना हो मैश। तो ये है खरबूजे के दाने हो या वाटरमेलन का, मतलब तरबूज का आप ले सकते हो किसी भी चीज़ का। और 2 मिर्ची ली है, अजवाइन लिया थोड़ा सा, और ये है चिरौंजी और लहसुन अदरक और नींबू मतलब। तो ये सारी चीज़ें पड़ेंगी इसमें। तो मैं क्या करूँगी, पहले जो खरबूजे या तरबूज जो भी आप ले रहे हो बीज, उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। जब आपको अच्छी सी एक अरोमा वाली स्मेल, मतलब आपको पता चल जाएगा कि बीज जो है वो भुन चुका है, मतलब बिल्कुल रेड नहीं करना उसको, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। उसके बाद में मैं चिरौंजी रोस्ट करूँगी। तो चिरौंजी डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, बस आप बंद कर दीजिए। और फिर अजवाइन जो लिया था वो भी थोड़ा सा रोस्ट करना है, और इन तीनों चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद में फिर एक प्लेट पे निकाल लो सारी चीज़ें, और फिर जो है इन चीज़ों को आप ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये क्वांटिटी बहुत कम था इस वजह से उतने अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ। तो मैं इसको क्या करूँगी कि जब राजमा ग्राइंड करूँगी तब मैं उसके साथ में ही ग्राइंड कर लूँगी। तो ये क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी होता तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता, कम है इस वजह से उतना अच्छा से ग्राइंड नहीं हुआ है। कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे, और उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे, और जो ये कट करके रखा था अदरक लहसुन और मिर्ची डाल देंगे, और डाल देंगे इसमें राजमा बॉयल किया हुआ, और बस थोड़ा सा ही चलाना है बस थोड़ी देर, और ताकि उसका पानी जो है सूख जाए। उसके बाद में फिर इसको ठंडा करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो मतलब ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, बाइंडिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद में फिर तो अभी देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया था, और जो एक दो राजमा रह जाते हैं अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, तो मैंने उसको हाथ से कर लिया। और इसमें डाला है मैंने नींबू का जूस, और इसमें डाल दूंगी मैं नमक और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, और बस उसके बाद इसकी टिक्की बनानी है। और आप अगर डाइट फॉलो मतलब डी है, तो मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, डाइट फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ राजमा का बनाया। आप इसमें आलू मिक्स करोगे बॉयल करके तो और भी अच्छी टेस्टी बनती है, तो आलू वो नहीं खाएंगे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ राजमा यूज़ किया है। और आप इसमें आलू डालो तब और अच्छा बनता है टिक्की। तो बस ये देखिए मैं गोल गोल बना लूँगी अच्छे से, और जैसे आलू टिक्की बनती उस तरीके से बना लूँगी कबाब की तरह। और इसको मैं उनके उसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, अच्छे से क्रंची होने तक, दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब इस तरीके से इसको फ्राई करना है तवे पे, मतलब सेकना है। तो ये देखिए, और दोनों साइड अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं उनको दे दूँगी, बन जाएगी टिक्की। तो ये देखिए हो गई है ऑलमोस्ट, और अभी जा रही हूँ उनका ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, तो रेडी कर देते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, और थोड़ा अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी ताकि डाइट वाले लोगों को खाने में भी अच्छा लगे। तो इस वजह से मैं उनकी थाली हमेशा थोड़ा डेकोरेटिव, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करती हूँ ताकि उनको खाने में अच्छा लगे। वैसे तो टिक्की तो उनको पसंद है, एक दिन और बनाई थी बट सूट नहीं किया था, तो मैं उन्होंने बोला फिर से बनाओ। तो फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है ये राजमा की टिक्की, और जिनका मन था राजमा खाने का, मतलब राजमा की टिक्की एक दिन और बनाई थी बट सूट नहीं किया था मैंने, तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ, सूट कर लेती हूँ ताकि आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो जा रही हूँ ब्रेकफास्ट देने, और स्मूदी वगैरह के लिए सुबह ही,
तो अब ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है तो ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, और मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, तो पहले उनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ फिर मैं चाय पीऊँगी आराम से। तो चलिए मैं दे देती हूँ, और आप भी ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी और बताइएगा कैसी बनी। तो चलिए दे देती हूँ ब्रेकफास्ट, और बेटा सोना क्या हुआ? बिस्किट खाने? बिस्किट अभी फेंक के आ दूँ वहां पे। बिस्किट कहाँ फेंका? ले क्या पैकेट कहाँ फेंक दिया? पैकेट वो पड़ी कुछ कर दो मम्मा को, नहीं करोगे कर दो देखो लग कैसे रहो, देखो शैतान बच्चे की तरह लग रहा हो कि नहीं। ये दोपहर में बनाने जा रही हूँ मैं तहरी, तो ये बनाने जा रही हूँ मैं आज आफ्टरनून में बना रही हूँ मैं तहरी, और मॉर्निंग में तो बनाई थी राजमा वाली टिक्की, तो राजमा का कबाब जो भी बोलो आप अभी मैं जा रही हूँ तहरी बनाने, तो सबका मन था तहरी खाने का। एक्चुअली मैं क्या, हस्बैंड तो चावल खाते मतलब छोड़ ही दिया था, तो आज उनका बहुत मन था कि चावल खाने का, तो उन्होंने बोला कि तहरी बना लो, तो जा रही हूँ मैं तहरी। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में सब्जी वगैरह सब फ्राई किया था, तो इस वजह से मैंने राइस भी डाल दिया। अभी इसको कुकर में डाल दूँगी और सीटी मार देंगे तो बस रेडी हो जाएगा। और तो चलिए लंच तो बन गया, रेडी हो गया, खा लिया है ना शिवू? ये मच्छर काट लिया बाबू को, मच्छर है ना, मुंह में नहीं डालो, विक्स लगाया ना। कट कर लिया बाबू को मच्छर ने, है ना बाबू? निन्नी कर रही है, निन्नू करनी है। तो यहाँ पे शिवांशी और यशी टीवी का मजा ले रहे, तो मैं लंच रेडी करके रख के आई हूँ, और सबको मैं दे देती हूँ खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया ऑलमोस्ट खाने का। हाय एवरीवन, करो। तो अभी शिवांशी भी नहा चुकी है और यशी भी नहा चुकी, सभी लोग नहा चुके हैं, और मौसम तो थोड़ा धूप छाया वाला है, धूप अच्छे से नहीं निकली आज तो। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं तहरी बना के आई हूँ, तो किसी को कुछ खाने का मन नहीं था, और सब लोगों ने बोला बहुत दिन हो गए तहरी नहीं खाई, तो तहरी बनाओ, तो वही तहरी बनाई मैं, और अभी खाना है, लंच खाना है, टाइम हो रहा है। हाँ हाँ दे रहे, जा रही हूँ मैं खाना लेने, उनको मांग रहे हो तो उनको दे देती हूँ। यशी खा चुकी है, मैं ही बची हूँ खाने के तो चलिए जल्दी से मैं लंच कर लेती हूँ, है ना। हाँ, और यशी भी शिवांशी खा चुकी है ना खाना, शिवांशी खाना खा चुकी है ना। हाँ शिवू बता दो क्या खाया आज आपने शिवू? बहुत बोलने लगी आज के लिए, और कैमरा बहुत जानने लगी, जैसे ही कैमरा ऑन होता है वैसे ही हाय करती है, बस वो मतलब मेरे को देख देख के उसको पता चल गया हाय ऐसे करते हैं। चलिए देखिए, और अच्छी बनी है, मगर सिंपल है, बट इसमें गोभी मटर और आलू मैंने यूज़ किया था, वही सब्जी थी तो मैंने वही डाली है, और
जीरा राइस में बनाया मैंने इसको। तो मिर्ची मिला था तुमको? मिर्ची मिली थी? और फिर खाना वगैरह हो गया, दोपहर का सब लोग खा चुके हैं, अब थोड़ा सा टीवी देखने का टाइम है। तो एक्चुअली में क्या है, शिवानसी नेल कट नहीं करवाती है, तो उसके नेल्स बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो सबको मारती रहती है, सब बहुत परेशान है। तो मैं उसके नेल्स कट कर रही थी, तो उसको कोई चीज़ एक नेल कटर और पकड़ाइए तब जाके आपको वो काटने देगी, तो वही है। तो उसको एक मैंने दिया तब जाके उसने नेल कटवाए, उसको गुदगुदी सी लग रही थी तो हंस रही थी बार बार। दीदी आओ, दीदी खेलो आगे इसके साथ। अब तंदी गुलाल को पढ़ 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 खेल रहे हो? ऐसे नहीं बजाते, ऐसे ऐसे। हाँ बजाओ, अभी बजाओ। को चोट कहाँ लगी है दिखाओ, चोट कहाँ लगी है? चोट शिवू को चोट कहाँ लग गई है? चोट कहाँ लगी है? चोट कहाँ लग गई थी? चोट कहाँ लगी है बताओ शिवांशी, चोट कहाँ लग गई है बाबू को? हाथ में? और ये लग गई थी क्या पैर में चोट? क्या करते मुंह में उंगली नहीं डालते बाबू? काम आज जल्दी खत्म हो गया तो मैं सोची थोड़ा सा शिवांशी के साथ टाइम स्पेंड करें, खेलें, तो वही है। और दिन में तो इतना धूप नहीं था, अभी शाम हो गई, 3-4 बज गए, अभी धूप है, अच्छी धूप निकली है। तो आज कपड़े भी वॉश किए थे मैंने, सूख जाएंगे। शिवू बंद है, वो फोन बंद है, फोन बंद है।
ये देखो। और ये मैडम बात कर लो, हेलो नाना से बात करो। नाना मामा करो। दीदी कहाँ है? दीदी दीदी कहाँ है बाबू? तो वही है, आज इसको नींद भी नहीं आ रही है। सुबह उठी थी 9 बजे और तब से सोई नहीं है, मतलब नहला दिया, सब कुछ करा दिया, खाना भी खा चुकी, लेकिन नींद नहीं आ रही, तो पता नहीं कब सोई। और आजकल क्या कर रही है, रात को जल्दी सो जाती है तो मॉर्निंग में परेशान करती है 3-4 बजे। और ये यहाँ मेरे पिंपल्स जैसा निकल आया था कुछ, अभी तो ठीक हो गया है। अजीब सी जगह में निकला। शिबू नहीं, हल्ला नहीं करो। ये देखो उनकी बदमाशी। देखो ये सतानी सी। फाइनली आके अब जाके सोई है शिवांशी। मॉर्निंग उठी थी 9 o'clock, तब से नहीं सोई है वो, तो अभी बज रहे हैं 4 और 4 बजे सो गई है वो शाम को, तो रात को लेट सोई है, मतलब ऑब्वियसली लेट ही सोएगी वो, 11 तो बजा ही देगी। जो वैसे वो 2 बजे सोती है दिन में, तो शाम को रात को 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाती है। आज लेट सोएगी, देखते हैं रात को कितनी बजे सोती है वो। तो सोफा पे मैं लेटी थी, मेरे साथ लेटी थी, सो गई है, तो अभी देखती हूँ मैं उसको झूले में लेटा दूँगी या तो फिर उधर ही लेटी रहेगी, क्योंकि फिर उठाएंगे तो फिर जग जाएगी। दिखाती हूँ मैं, सो रही है आराम से, ये देखिए मैडम सो गई हैं। और अब जाके थोड़ी घर में शांति है, हल्ला मचा रही थी बहुत सुबह से, तो सोना भी ज़रूरी है, 1-2 घंटे तो सोना चाहिए, दिन में सोती नहीं है तो ये सो रही है। और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हेयर वॉश किया था, उसके बाद कंघी नहीं की अच्छे से ना? कहीं नहीं की है, झूठ बोलती है लग रहा है। तो अभी जा रही हूँ, खाने के बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, मतलब आफ्टरनून में जो लंच वगैरह किया था तो उसके बर्तन धोने, वही धोना। और मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, कल सोच रही हूँ टाइम निकाल के धो देती हूँ, क्योंकि पौधों कुछ पौधे क्या ना इंडोर वाले होते हैं, तो ये देखिए मेरी बालकनी कितनी गंदी हो गई है। और क्या था ना कि ये जो बीच में पौधा रखा है ये मैं अंदर रखती हूँ, घर के अंदर इंडोर प्लांट है, तो इसमें क्या हुआ ना कीड़े लग गए थे वाइट कलर के, तो फिर दवा लेके आया हस्बैंड, ये बहुत महंगा था पौधा तो मेरे को चिंता हो गई थी, तो फिर वो जहाँ से लेके आई थी ना उससे दवा लेके आई, वो डाला, अभी इसलिए धूप में रखा हुआ है, सारे पौधों में पड़ा है, तो इस वजह से अभी मैं इसको हटा दूँगी और उसके बाद में सारा बालकनी साफ करना है, तो क्लीन करूँगी कल टाइम निकाल के इसको। और धूप ज़्यादा लग गई है पौधों में, तो कुछ पौधे सूख गए हैं बहुत, और गुलाब में भी कली निकली है, खिलने वाली है, इस बार पौधे खिल नहीं रहे ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया पौधों में, मतलब अजीब सा रोग सा लग गया है। सारे खिलने वाले लेके आई थी मैं, फूल खिल ही नहीं रहे, मतलब कली निकलती है और ऑटोमेटिक ही वो टूट के गिर जाती है अपने आप, पता नहीं क्या रोग लग गया है इसमें। तो कल मैं इसको क्लीन करूँगी अच्छे से पूरा पौधा, मतलब पत्ते ना सूख सूख के गिरे हैं पूरे, और पता नहीं क्या हो गया, रोज़ भी सूख रहा है, यही प्रॉब्लम होता है, पौधे लगाओ आप केयर भी करो तब भी पौधे चलते ही नहीं है, पता नहीं क्या मॉइस्चर ज़्यादा है या किस वजह से या धूप ज़्यादा लग गई, तो वही है। और अभी जा रही हूँ, तो अभी जाके और बर्तन वॉश करके रख देती हूँ, 4 बज गया, 5, 5:30 बजे फिर चाय बनाने का टाइम हो जाएगा, तो चाय बनाना पड़ेगा जाके। और अभी धूप बहुत अच्छी है इस समय, और ये पता नहीं कब मेरा ठीक होगा। देखो दोनों में लड़ाई हो गई है, शिवांशी ने यशी को फोन मारा है ना,
फोन मारा आपने? अच्छा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने मारा दीदी को? मारा था दीदी को? कहाँ लगी है चोट दिखाओ, चोट कहाँ लगी है, चोट कहाँ लगी है दीदी की? यहाँ पे लग गई चोट, फुकी कर दो। और शिवांशी को चोट कहाँ लगी है, कहाँ लगी आपको चोट? इसमें घुटने में लगी है, है ना? फुकी है। ये कहाँ लगी है? नहीं नहीं शिवू को चोट कहाँ लगी है, कहाँ लगी है चोट? ये देखो बैलून बना रही है, ये बैलून नहीं बबल, बबल्स बनाती है। एक बार बोल दे सर जी, नहीं छोटे जी का सी मां मां बोल के क्या कर रहे हो ये? देखो 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 शू चोट का लगी है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो गाइस खाना वगैरह हो गया, शाम का मतलब रात का डिनर हो गया और जल्दी कर लेते हैं हम लोग, तो 7:30 तक कर लेते हैं खाना एटलीस्ट 8 o'clock। हाँ छोड़ दो। तो मेरे हाथ को तो शाम को मैं बनाई थी, दाल था और बैंगन का भरता बनाया था, तो वही हो गया। और दोपहर में तो तहरी बनाई थी और मेरे लिए अलग से बनी था, और यशी ने चीजी पनीर पराठा पनीर पराठा और चीज लगा के खाइए। और शिवांशी का दूध पिया था ना बाबू, दाल रखी है, पिएगी तो पी लेगी बाद में, अभी नहीं पिए, पेट भरा हुआ है, गंदी बात होती है। तो गाइज मम्मा पूरे दिन बदमाशी, पूरे दिन बदमाशी करते रहते हो। बैड हैबिट होती है बाबू, ऐसे नहीं करते। फिर मम्मा को मारा तुमने? फिर मारा मम्मा को? ये क्या हो रही, ये बदमाशी क्यों करते हो तुम इतनी? पूरे वीडियो में रोते रहते हो तुम, पूरा हम कितना कट करें बताओ, सब लोग क्या सोचते होंगे, गंदी बात करते हो ना। ए बोलो, दे दो उसको, उसको दो, चलो लो ये, शांत बैठो चुपचाप, ठीक है? नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानना, बात नहीं माननी है, नहीं मानोगे? अच्छा बच्चा बन गया है ना शिवांशी, बदमाशी नहीं करेगी है ना? हाँ जी डांट सुन रही है, नहीं तो रोती और ज्यादा, बहुत शैतान हो गई, मतलब पूरे दिन रोती रहती है वीडियो में, जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो इसका रोना स्टार्ट है। देखो अभी ये कह रही है कि ये जो क्रीम वाला ट्यूब है इसको खोल दो फिर मैं पूरा फैलाऊं, जाओ बोलू रख के आओ इसको सारा सामान, दे दो थोड़ी देर, दे दो। तो वही ये पूरा दिन काम काम काम, टाइम ही नहीं मिलता, तो जो शूट कर पाती हूँ वो मैं शूट करके आपके लिए डेली ब्लॉग्स डालती हूँ। तो यही है, और खोल दो, खोल दो, खोल दो, बॉय बॉय शुगर बॉय। तो वही है, और तो खाना वगैरह हो गया और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे वॉक करेंगे, खाना बहुत खा लिया मैंने इस वजह से, तो अभी वॉक करेंगे जाके थोड़ा सा, और शिवांशी भी साइकिलिंग थोड़ा कर लेगी जाके, और उसके बाद सो जाएगी आके। ऐसे बना रही हूँ तो इंटरेस्टिंग बात बताया था शिव के बारे में, शिव एक दिन हॉस्पिटल जा रही थी, मैं इसको अकेले नीचे लेके गई थी, उसको चोट लग गया, मैंने मम्मा को बताया, उसमें स्क्रैचेस आए थे, तो मम्मी लोगों ने मतलब क्रीम वगैरह लगाया तो ठीक हो गया, उसका भी सूखा हुआ है, तो क्या
क्या होता है कि देखती है उस निशान को और उसको लगता है नहीं मुझे तो चोट लग गई तो मुझे लोशन लगाना पड़ रहा है और देखो क्या कर रही है मुझे दिखाओ मम्मा लोशन लग रहा है देखो मुझे चोट लग गई है और वो भी चोट गायब हो गई है तब भी लोशन लगाया जा रहा तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आपको आज का जो ब्लॉग है वो अच्छा लगेगा तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और भर भर के लाइक करिए कमेंट करिए और चलिए फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में कुछ अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी फिर से कल और तब तक और इसका मुझे चाहिए 200 तो चलिए फिर कल मिलते हैं तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड गुड नाइट बाय स्लीपी नाइट